जी माणसं इतिहास विसरतात ती माणसं इतिहास कधीच घडू शकत नाही. आता सध्या दिल्लीच्या चारही सीमेच्या बाजूने सध्या इतिहास घडतोय. देशाचा बळीराजा आपल्या मागण्यांसाठी गेल्या 27 ते 28 दिवसापासून रस्त्यावरती बसलेला आहे. मात्र या आंदोलनामध्ये चपात्या बनवण्यापासून भाजी बनवण्यापर्यंत काम करण्याचं काम इथं तरुण करत आहेत. मात्र ही तरुण हे काम करत असताना पुस्तक वाचण्याचं काम करत आहेत. पाजी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में. आपका नाम बताइए. मेरा नाम है जी मानसिंह तेलो. मानसिंह जी, ये जो बुक है ये किसका है? ये जो सिख राज था, महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ है, उसका उसके इतिहास के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, वो कैसा राज था, कैसे लोगों के साथ वो विचरते थे, कैसा उस टाइम लोगों की दशा थी, कैसे एक सिख राज में हिंदू और मुसलमान भी मिल के रहते थे, कैसे उनके राज में, जैसे बहुत कुछ होता है दुनिया में, है ना, एक मासूम को मारना तो दूर की बात, उनके राज में कभी क्राइम करने वालों को भी मृत्युदंड नहीं मिला. ये और उनके राज में जो बड़े बहादुर शेर को, जबड़े को, शेर के मुंह में हाथ डाल के शेर का जबड़ा पाड़ने वाले हरि सिंह नलुआ जैसे योद्धा, उनके बारे में इतिहास में है. उनकी आगे मिसलें थी, कैसे उन्होंने 40 साल राज किया, कैसे उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर भी पैसा लगाया, मुसलमानों के धार्मिक स्थानों पर भी पैसा लगाया, सिखों के धार्मिक स्थान पर पैसा, एक धर्म निरपेक्ष राजा था. तो उसके राज में कैसे लोग सुखी थे. भारत को भी धर्म निरपेक्षता की जरूरत लगती है क्या आपको? धर्म निरपेक्ष बिल्कुल जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नफरत प्रस्ती बहुत ज्यादा है धर्मों के लिए. वैसे एक खासियत है कि पंजाब और अभी बंगाल में इलेक्शन है, पंजाब और बंगाल वो स्टेट है जहाँ पे धार्मिक दंगा और जाति पात पे दंगा नहीं होता. आप पंजाब में चले जाओ, आपको जाति पात पे कोई दंगा नहीं मिलेगा और धर्म के नाम पे कोई दंगा नहीं मिलेगा. तो अभी धर्म जितने ज्यादा धर्म है, नफरत प्रस्ती या धर्म के नाम पे वोट मांगना, जैसे कि बीजेपी मुस्लिम को टारगेट करके वोट मांगती है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष होने का लीडर वादा करते हैं, मगर ऐसा मेरे को कोई लगता नहीं है. लेकिन अभी जो बुक है, बहुत सारे भगत सिंह पढ़ रहे हैं, हाँ जी, बहुत सारे जो युवक है, तरुण है, जो आंदोलन में आए हैं, हाँ जी, अभी ये बुक क्यों पढ़े जा रहे हैं? देखो अभी जो जंग है, अभी ये इसका जंग बन गया है, ठीक है जी. तो उस टाइम उन्होंने कैसे जंगे लड़ी, कैसे सबर संतोख रखा, कैसे उन्होंने अपने पेशेंस को बरकरार रखा, वो चीजें देखा, और कैसे हमला किया, कैसे संधियां की, कैसे बातचीत होती थी, सब कुछ उस टाइम भी होता था, ठीक है ना. हमको उस राज की जरूरत है, हम जहाँ पे सभी जातियां सर मेरी धर्म खुश हों, वो कैसा राज था, कैसे उन्होंने राज को बरकरार रखा, कैसे दुश्मन के साथ मुकाबला किया, सब कुछ इसमें है. और हम सिर्फ ये बुक नहीं पढ़ते हैं, हम सभी बुक पढ़ते हैं, ठीक है नहीं. इसके बाद मैंने भगत सिंह की बुक भी रीड करना है, जो जैसे जैसे लिटरेचर, हमको लिटरेचर के साथ जुड़ना हमारा फर्ज है. देखो हम इतिहास हमारा सबसे बढ़िया गुरु होता है, तो ये हमारा इतिहास है. अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने क्या क्या किया, कैसे उन्होंने राज बरकरार रखे, हमको कैसे पता चलेगा. उस चीज से सीखने के लिए हम ये किताबों का सहारा ले रहे हैं अपनी. अभी ये जंग तो चल रही है, सरकार के विरुद्ध है, हाँ जी. आप इसको जंग कहते हैं, इसलिए मैं जंग कर रहा हूँ. तो इतिहास से आपको क्या सीख मिल रही है? और मोदी जी से अगर देखा जाए तो मोदी जी इस तरह से काम करते, तो इतिहास के बारे में अगर मोदी जी के काम देखते, आपको क्या लगता है इतिहास क्या बता रहा है मोदी की तरफ देख के? इतिहास तो अहमद शाह अब्दाली का राज बता रहा है, जो इस टाइम नरेंद्र मोदी जिसपे चला एक ताना शाह सरकार, जो अहमद शाह अब्दाली का राज था, अभी वो राज चल रहा है, ठीक है ना. उसके राज को फिर वो जाते हुए पंजाब से लुटता था, तो आते हुए पंजाब से लुटता था. अब ये कोई और स्टेट तो है नहीं जहाँ पे आप धार्मिक लोगों को और वो कर सकते हो, ठीक है ना. यहाँ पे सबसे बड़ी बात है एकता, अभी आज के टाइम में यहाँ पे यूनिटी सबसे बड़ी काम कर रही है, ठीक है ना. तो हम ये चीज छोड़ के, हम गिनती में सिखों की गिनती बहुत ज्यादा कम है, ठीक है जी. तो और भी हमारे साथ जो कि सारी कम्युनिटीज जुड़ रही हैं, सभी धर्म जाति जुड़ रही हैं, खासकर सबसे बड़ी बात कि 1966 में हरियाणा बना पंजाब के टुकड़े होके, आज फिर वो खुश हैं. आज 54 साल बाद हरियाणा हमारे साथ इकट्ठा है, हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, इतनी खुशी होती है. मोदी जी का ये धन्यवाद हम जरूर करना चाहते हैं, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को एक कर दिया, ठीक है ना जी. तो वो तो अब भी फाड़ो और राज करो की नीति पे चल रहे हैं, तो इतिहास में तो ये भी अंग्रेजों ने किया है, फाड़ो और राज करो. अभी बीजेपी वाले बैठ गए हरियाणा में SYL का मुद्दा लेके, अरे भाई जब जमीन नहीं रहेगी तो SYL के पानी में क्या टीप डालकर पंचर चेक करेंगे,
ठीक है जी। हाँ जी, और एक बात है, अब जो युवक है, तरुण है, उनको उड़ता पंजाब की तरफ से देखा जाता था, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो बहुत सारे जुब्बू पड़ते हुए तरुण नजर आ रहे हैं, लोगों की सेवा करते हुए, लंगर में काम करते हुए, और इस तरह का युद्ध जो है, जो दुनिया के सामने पहली बार आ रहा है, तो ये जो छवि है उड़ता पंजाब की, वो चेंज होती नहीं रही। मैं आपको ना उड़ता पंजाब के बारे में बताता हूँ। पहली बात तो नशे की बात करते हैं, कौन से स्टेट में नशा नहीं है? गोवा में नशा नहीं है क्या? दिल्ली में नशा नहीं है क्या? हरियाणा या और स्टेट में नशा नहीं है? हमारे स्टेट में भी था, ठीक है ना। हमने उसको सीरियस लिया, उसको खत्म करने के लिए मुद्दा उठाया, और नशा ऐसे नहीं आया पंजाब में। जो कौम तलवारों में पैदा होती है ना, उसको हथियार नहीं मार सकता, उसको नशा या ऐसे मारा जा सकता। पंजाब में दो चीजों का, एक तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पंजाब में पेस्टिसाइड आया, उस पे उसकी वजह से पंजाबियों की फिटनेस में प्रभाव पड़ा है, ठीक है जी। दूसरा नशा, नशे को तो हमने काबू पा लिया, ठीक है जी। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यूथ है, ऐसे नहीं आ गया वहां से, जो बॉर्डर तोड़ तोड़ के ऐसे नहीं आ गया। और ये बॉर्डर किन के आगे बना रहे हैं? अरे हम तो मेक्सिको के बॉर्डर टप जाते हैं, पता होगा आपको, दो नंबर में पंजाबी जाते हैं, इतने बड़े बड़े जंगल पार करके जाते हैं, मैक्सिको की दीवार पार कर जाते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे पंजाब में टिब्बे होते थे, टिब्बे बताता हूँ, ऊंची नीमी जगह होती थी किसी टाइम पंजाब में, तो उस जमीन का जो लेवल है वो इक्वल करा पंजाबियों ने, अपनी मेहनत से किया, अपने बैल से किया, अपने जो हल से किया, तो उनके आगे ये मिट्टी के ढेर रास्ते में डाल रहे हैं, वो क्या चीज है हमारे लिए, ठीक है ना। और जो ये बोलते हैं कि ये बिकाऊ लोग हैं, ये पेड़ लोग हैं, पेड़ ऑर्गेनाइज ये किया हुआ है, अरे भाई हाथों से 200 रुपये में पैसा लेके हाथों से कोई मिट्टी नहीं उठा सकता, अपने हाथों से उन्होंने मिट्टी रास्ते से हटाई है, और इतनी अगर उनमें ताकत थी, वो खेती करते हैं, उनके खून में ताकत थी, उनके जो पंजाब जिस चीज के जाना जाता है कि खाता पीता पंजाब, ठीक है जी, एक तकड़ा पंजाब, वो इतने बड़े बड़े पत्थर खींच दिए, वो इतने बड़े बड़े कंटेनर रास्ते में, और ये भी बता देता हूँ कि भर भर के गाड़ियां रास्ते में, अभी ट्रक चलाना जानते, अपने आप न्यूट्रल करके अपने आप साइड में कर दिया। हमारा जो एक्सपीरियंस है ना पंजाब, जो एक्सपीरियंस है वो इसमें काम आया है, ठीक है। वो तो बात है, लेकिन कभी बुरा लगता है कि पंजाबियों को आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं? तो आतंकवादी तो भगत सिंह जी को भी कहा था, जो पंजाबी कौम है एक बागी कौम है, जो भी जुल्म करता है हम उसके सामने डट के खड़े होते हैं, चाहे वो मुगल आ जाए, चाहे वो अंग्रेज आ जाए, चाहे वो पठान आए, अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग आए, चाहे राजा सिकंदर आया, उसको भी किससे पंगा लेना पड़ा, वो भी पंजाबी था, पोर्स, राजा पोर्स, वो भी पंजाबी से, पंजाब की धरती के भी राजा थे, ठीक है ना। तो ये तो हमारी खून में है, अब हमको आतंकवादी बोलो, देशभक्त बोलो, हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब खालिस्तानी बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालिस्तान? खालिस मीन्स प्योर, प्योर को बोलते हैं खालिस, और उससे नाम पड़ा है खालसा, खालसा राज। अभी माया रणजीत सिंह का राज था, वो भी खालसा राज था, सिखों का राज था, ठीक है ना। तो ये तो ना एक कोई भी मुद्दा हो, मैं अभी बात बताता हूँ, कोई मुसलमान अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो वो पाकिस्तानी है, कोई हिंदू अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो वो देशद्रोही है, कोई दलित अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो वो नक्सली है, ठीक है जी। तो कोई सिख अभी हमको बोलते हैं, हमारे भाई हैं जो बॉर्डर पे बैठे, मैं आर्मी की वर्दी पहन के बैठा हूँ, मुझे प्यार है, मेरे नाना जी 1971 की जंग में उन्होंने फाइट किया है एयरफोर्स में, वो कतल के रैंक पे थे, हम कैसे भाई हम कोई इस देश से देशद्रोही हो सकते हैं? ये कौन होते हैं हमसे सबूत मांगने वाले? हमको बताएं गुजरात से कितने लोग आर्मी है, पंजाब से और हरियाणा से हैं लोग आर्मी में, ठीक है ना। मुझे बता दो गुजरात के किस बंदे ने देश के लिए शहीदियां की हैं जो आज ये बने फिरते हैं कारपोरेट अंबानी अडानी जैसे, ये अमित शाह जैसे, मोदी जैसे, मुझे बता दी देश के लिए क्या किया है, किन्होंने कुर्बानियां की हैं, ठीक है ना जी। 2600 लोगों को काले पानी की सजा हुई, 2150 लोग पंजाब से थे, 123 लोगों को फांसी पे लटकाया, उसमें से 93 लोग पंजाब से थे। आज हम खालिस्तानी हो गए, हम अगर अंग्रेजों के साथ लड़े तो देशभक्त, अगर हम देश को देश में लंगर बांटे जहां भी भीड़ आई तब हम फरिश्ते, जब हमारे गुरुओं ने अपने बेटे बार दिए हिंदू कौम के लिए तब हम फरिश्ते, आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो हम
तो हम देशद्रोही हो गए। अरे यार हम तो प्राउड फील करते हैं, देशद्रोही हैं हम तो बोलते हैं जी हम तो आतंकवादी है। आज के टाइम इस मुल्क को आतंकवादियों से खतरा नहीं है, इस मुल्क को राष्ट्रवादियों से खतरा है। कौन राष्ट्रवादी? ये फर्जी राष्ट्रवादी। कौन? ये अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले। ये लोग आज हमको देशभक्ति सिखाएंगे। अरे सर काट के ये दस्तारे मिली है, आज तक किसी मजलूम पे हाथ नहीं उठाया, हमेशा रक्षा की है। कोई भी हो, कभी भी, अब भी बोलते हैं देश में कभी भी भीड़ आए, केरला में बाढ़ आई, खालसा हेड लंगर लेके गया, बिहार में बाढ़ आई, ठीक है जी, उसके बाद उत्तराखंड में बाढ़ आई तब जाके लंगर लगाया, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई तब लंगर, नेपाल में भूकंप आया तब जाके लंगर लगाया। अरे चलती गोलियों में हम तो लंगर लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। हमारा जो मजहब है वो हमें सिखाता है कि हमारा फलसफा यही है कि हमारी जुल्म के साथ जो हमारी लड़ाई है, किसी धर्म के साथ लड़ाई नहीं है, ठीक है ना। हमारी हक की लड़ाई है, हक की आवाज उठाते हैं। कोई बोलता है आतंकवादी बोली जाए, उनका क्या है? मीडिया के बारे में आखिरी सवाल है, मीडिया तो आप तो इतिहास पढ़े हैं और आपकी बातों में भी जाहिर है तो आता है, तो मीडिया को किस तरह से देखते हैं आप, ये आंदोलन जिस तरह से कवर हो रहा है? देखो थम को हिंदी में क्या बोलते हैं, थम होता है ना, क्या बोलते हैं, लोकतंत्र के चार मीनार हैं, मीनार बोलते क्या बोलते हैं, स्तंभ। मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और वो एक ऐसा स्तंभ है जिसको दीमक लगा हुआ है, ठीक है जी। इसमें करप्ट लोग हैं, बिल्कुल करप्ट लोग हैं, टीआरपी के भूखे लोग हैं, इसमें बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं बोलता, देखो हर एक धर्म जात में जैसे अच्छे बुरे लोग होते हैं, मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, ठीक है ना, जैसे एनडीटीवी के रवीश कुमार जी हो गए, संजीव शर्मा जी हो गए, काफी लोग हैं जो एक न्यूट्रल खबर दिखाते हैं ना। अभी सारे मैं आपको बताता हूँ, आपने कितने बॉर्डरों पे आप गए हैं, कितने बॉर्डर पे धरना लगवाया है? सिर्फ एक या दो धरने पर ही पिज्जे का लंगर है। ये बोलते हैं तो पिज्जा खाते क्यों नहीं खा सकते भाई, इस आटे से पिज्जा बनता है, आटा हमारे खेत का है, वो उस पर कैप्सिकम डाल के बोल देते हैं, शिमला मिर्च जी कैप्सिकम पिज्जा, उस पे टमाटर डाल देते हैं, वो हमारे खेत का, वो बोत देते हैं 500 में जी टमाटो पिज्जा, वो मुट्ठी आती है क्या, ये 10 रुपये किलो होगी मक्की, उसको मुट्ठी सी डाल के बोल देते हैं जी कॉर्नफ्लेक्स पिज्जा, ठीक है ना। अब जिनने 500 का पिज्जा खाया है उनको क्या पता उसकी तो कीमत सिर्फ 40-50 रुपये है, ठीक है ना, उनको इस चीज के बारे में क्या पता। अरे हमारा देखो जो खाना पीना है वो खुला डुल्ला है, शुरू से खुला डुल्ला है, ठीक है जी, दूध दही का पंजाब, वो मक्खन पनीर का पंजाब, ठीक है जी, वो ही लस्सी, वो ही खोआ, वो हमारे ये तो आम चीजें हैं। जिन लोगों ने शायद कभी देखा नहीं होगा या देखा तो यार देखे सबको पता है, जो ये संगी बोलते हैं, मैं ना सोशल मीडिया पे देखता हूँ कभी पेज के कमेंट पे, यार इतनी जहर इन लोगों में पड़ी है, वो लंगर के बारे में इतनी गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। जब अब कहीं भीड़ पड़ जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, हम लंगर लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन मीडिया के बारे में आपको क्या? ये सभी देखो मीडिया जो आज बोल रहा है, जो एक जख्म पे सारा शरीर छोड़ के जख्म पे बैठने वाली मक्खी होती है ना, कुछ मीडिया के लोग वैसे हैं, ठीक है ना, कोई नेगेटिविटी पकड़ लेते हैं, छोटी सी वही दिखाते रहेंगे, और क्यों नहीं दिखाते भाई। जो इतने यहाँ लोग बैठे हैं, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त आ रहा था जलंधर से, हम ट्रॉली लेके आ रहे थे, दोस्त वैसे बना है पहले नहीं था, वो आ रहा था और वो पैदल आ रहा था, 70 किलोमीटर एक दिन तय किया, 70 किलोमीटर दूसरे दिन तय किया, तीसरे दिन 20 किलोमीटर तय किया, पैरों में छाले पड़ गए, छाले देख के वो लंगड़ा के चल रहा है, हरियाणा का बंदा आया, उसने उसको बोला कि यार बैठो मैं पट्टी करवा के लाता हूँ, उसने उसको पट्टी बाद में करवाई, पहले उसको ढाबे पे बिठाया, फिर उसको खाना खिलाया, फिर पट्टी करवाई, फिर छोड़ गया। किसी आतंकवादी को भाई कैसे, कौन ऐसे छोड़ सकता है, ठीक है ना। अभी आतंकवादी यार मैं बताता हूँ, आज के टाइम पे जो ये फर्जी राष्ट्रवादी है ना, सबसे बड़े आतंकवादी तो ये है जो धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं। अभी ये हमको ना ये बोलते हैं पुराना इतिहास हमारे यहाँ के, आपने एक चीज देखी होगी, कुछ मुसलमान लोग हैं, अभी यहाँ पे मलेरकोटला का लंगर है पीछे, बोलते हैं कि मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद किया, ये उनके हाथ से वो खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं। अरे भाई ऐसे मुसलमान भी थे, मलेरकोटला के नवाब थे, जब गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवारों में चनवा रहे थे तो उसने हा का नारा मारा था, नहीं जी ये बच्चे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको छोड़ दो, ऐसे बहुत थे। फिर बुद्धू शाह जैसे मुसलमान थे जिसने अपना पूरा परिवार गुरु गोविंद सिंह जी को दे दिया था,
ठीक है ना, तो हम ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ऐसे बहुत भी ऐसे तो 22 हिंदू राजा थे जिन्होंने मुगलों के साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी को घेरा था। नहीं, उन धर्म की लड़ाई नहीं थी, मैं आपको यही बताता हूँ, मैं नफरत बताता हूँ, ठीक है ना। उन 22 की वजह से हम पूरे हिंदुओं को थोड़ी ना बुरा बोलते हैं। गुरु गोविंद तेग बहादुर जी का शीश, जब उन्होंने शीश दिया था तो एक हिंदू ने ही उनका संस्कार किया था। हमारा देखो जो फलसफा है, गुरु नानक देव जी की वाणी है, आप सुनना आपको भी समझ में आएगी, कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। ठीक है जी, हमारे लिए यही है कि मानस की जात सब एक है पहचानो, हम किसी को धर्म की निगाह से नहीं देखते। कोई हमको आतंकवादी बोले, कोई यार हमको तो जो मर्जी बोल दो, हमारा जो फलसफा है वो एक हमारा तो अर्जुन की जैसे वो मछली की आंख वाला निशाना है, हमने जुल्म के खिलाफ लड़ना है, जुल्म के खिलाफ ही लड़ेंगे। धन्यवाद जी। सभी जो है एक के बंदे है, सर्वधर्म समभाव। आणि इतिहास माणसाला काय शिकवतो? जो माणसांना इतिहास माहिती नसतो त्याला त्याचं भविष्य नसतं आणि वर्तमानही नसतो। वर्तमानात तो काही बोलू शकतो मात्र त्याचं भविष्य अंधारात असतं। त्यामुळं जे माणसं इतिहास वाचू शकत नाही किंवा त्यांना इतिहास माहिती नसतो ते त्यांचं भविष्य कधीही ठरवू शकत नाही। शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र, दिल्ली, सिंग बॉर्डर।